हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत, आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी एकदम स्वस्थ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं काफी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने 2-3 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाए, माफी चाहूंगी उनसे कि जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलो आज के ब्लॉग की तो शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ टाइम तक मैं ऐसे डेली ब्लॉग्स नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इसी मंथ मेरे पेपर्स हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं अगस्त महीने से बीएससी कर रही हूँ जेडबीसी सब्जेक्ट से, तो मुझे मेरे पेपर हैं तो तैयारी थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग्स का वेट किसी ने किया भी, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे है ना, दो तीन दिन तक मैंने ब्लॉग डाले नहीं, तो किसी ने तो वेट किया ही होगा जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे पता चले मेरे डेली ब्लॉग्स कौन कौन देखता है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की तो शुरुआत हो चुकी है। अभी मैंने करके थोड़ा बहुत काम कर लिए हैं, पूरे काम नहीं निपटाए हैं। और फिलहाल सबसे पहले मैं आज का आप सभी लोगों को मौसम दिखाती हूँ यहाँ का। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आज का मौसम, ये सामने आप देख सकते हो, ये देखिए, ये गुप्तकाशी और ये हमारा गांव भटवाड़ी उखीमठ में, ये ऊपर उखीमठ मार्केट। तो इस तरह से कुछ आज का मौसम, और धूप बहुत ही तेज आई हुई है। यहाँ देखिए पीछे से कितना प्यारा लग रहा है, ये ऊपर सारे खेत। आजकल खेतों में आप सभी को पता ही होगा कि जो धान है उसकी खेती की जा रही है, धान और मंडवे की। तो इस साइड जितने भी पूरे यहाँ से ऊपर तक खेत है ना, सब में धान की खेती की जा रही है। और उस साइड जो है, यहाँ बीच में गदेरा है, जो पहाड़ों में छोटे छोटे होते हैं पान गदेरे बोलते हैं उन्हें, तो उस साइड गदेरे से उस साइड लोगों ने मंडवे की खेती की हुई है। तो इस साइड तो धान की खेती की हुई है लोगों ने, ये देखिए यहाँ से पूरा ऊपर, और ये सामने रहा हमारा गांव। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी चलते हैं, छत से नीचे चलते हैं। और ये सामने तो आपने देख ही रखा होगा जो मेरे डेली ब्लॉग देखता है, हमारे गांव का कुलदेवी का मंदिर है। और आजकल यात्रा सीजन उतना नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेन सड़क है वो टूट चुकी है, तो यात्रा सीजन कम ही है, नहीं है उतना यात्रा सीजन। नहीं तो यहाँ सामने पर तो आज तक के लिए बहुत सी गाड़ियों की लाइन लग जाती, और धूप आज जो है वो काफ़ी हो रही है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और काम कर लेते हैं घर के। तो दोस्तों, अभी जो है मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा घास निकालने के लिए। वैसे मम्मी ने बोला था, पर अभी फिलहाल है घास, अभी के लिए क्या, शाम के लिए भी है, तो शाम के टाइम पर निकालेगी क्योंकि धूप काफ़ी हो चुकी है। मेरे काम जो है थोड़ा लेट तक हुए कम्प्लीट क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, कपड़े कुपड़े धोने, पूरे घर की सफाई करनी थी। तो अभी खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, चावल तो मैंने रख लिया, और अभी क्या बनाऊँ, कढ़ी चावल बनाती हूँ आज, देखते हैं। चावल तो मैंने रखे हैं और कढ़ी बनाते हैं। सोच रही हूँ घास लाने के लिए, पर नहीं जाती हूँ, शाम के टाइम पर जाऊँगी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, ये जो है ना, ये विमल का पेड़ है। यहाँ पर तो इस टाइम मुझे सांप की डर भी लग रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए विमल का पेड़ है। और कुछ इस तरह से इस पर ये फल लगते हैं। ये जो विमल होता है, इसके बारे में बताती हूँ आपको, और ये घास मैं शाम को निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी। तो दोस्तों, ये विमल है ना, यहाँ पे साफ दिखेगा, ये अभी कच्चा है, अभी पका हुआ नहीं है। ये इसका लोग अचार भी डालते हैं, और ये काफ़ी अच्छा फल होता है। दो टाइप के होते हैं ये भी, एक में थोड़ा अंदर से कीड़े लग जाते हैं और एक सही रहता है। ये अभी पका हुआ नहीं है, ये काफ़ी मीठा और अच्छा फल होता है। इसके अंदर से तो अभी ये कच्चा ही है, ये कच्चा ही है। और मैं अभी आपको एक पका हुआ दिखाती हूँ, पका हुआ ये जो कच्चे पेड़ से निकाला है, और दूसरा मैं आपको एक पके हुए पेड़ से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है एक पेड़ विमल का, इस पर काफ़ी पके हुए हैं, ये मैंने खाद पर रखा हुआ है, नीचे गिरेगा काफ़ी यहाँ पे, इसके बारे में बताती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, वो तो कच्चा था, ये थोड़ा पका हुआ है, ये नीचे गिरा हुआ था, मैंने ऊपर पेड़ से नहीं निकाला। ये अंदर से कुछ इस टाइप के रहते हैं, ये देखिए,
ये कुछ टाइप से रहते हैं और ये खाने के लिए होते हैं। ये तो सूखा हुआ क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ था, तो ये बहुत ही मीठे होते हैं और इनका अचार भी डाला जाता है। तो इस टाइप से होता है ये विमल। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फूल भी खिल चुके हैं। जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है ये धतूरा का फूल है और ये खिल चुका है। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये, यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। ये जो मंदिरों में ना बहुत मतलब प्लेटों में रखे जाते हैं, शुभ माना जाता है इन फूलों को। ये देखिए, तो अभी दोस्तों ये सब कुछ तो आपने देख ही लिया होगा। मुझे अब खाना बनाना है, चावल मैंने रख दिए हैं और मुझे कढ़ी बनानी है। तो चलते हैं अभी किचन में और खाना बनाते हैं। तो अभी दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ और चावल तो मेरे बन भी गए हैं, चावल बन चुके हैं और जल्दी जल्दी कढ़ी बनाती हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन, और अब बेसन का घोल बनाते हैं एक बार। खीरा तो बाद में काट लेंगे सलाद में, और अभी लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनता है वो काफ़ी पौष्टिक भरा होता है, मतलब लोहे तत्व भी पाए जाते हैं लोहे की कढ़ाई में। तो अभी बेसन का घोल बनाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे बंदर आए, भागने का नाम नहीं ले रहा, तीन बार आ चुका है इसे भगा भगा के ना, और एक वहां पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों अभी जो खेतों में आपने देख ही लिया होगा, गुड़ाई कर रहे हैं सुबह और शाम को। आजकल लोगों का काम गुड़ाई करना ही है, और आजकल अब खेतों में ये तो अभी जो मंडुए की खेती है वो कर रहे थे, और धान की खेतियों में अब पहले तो पनगौट लगता है, फिर इस टाइम दुनगौट लगना स्टार्ट हो चुका है। जो तो दूसरी गुड़ाई होती है उसे दुनगौट बोलते हैं, तो वो लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर घास निकालती हूँ थोड़ा सा गाय के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो चुका है, फिर सोए और उठे। वैसे आप लोग बोल रहे होंगे हमेशा हमेशा ब्लॉग में कड़ी दिखा रही है, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं उन्होंने इससे पहले जिस दिन देखा होगा लास्ट उसी दिन बनाया था, एक हफ्ते से बनाया भी नहीं था। तो ये तो बात हो गई, और अभी चलते हैं फिर। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, फिर निकालते हैं थोड़ा बहुत घास गाय के लिए। जो दोस्तों मैं कंडी और दरांती लेकर भी आ गई, दरांती कंडी में, और आपको मेरी ड्रेस चेंज लग रही क्योंकि वो अच्छा क्योंकि वो थोड़ा हाफ टॉप था, और ये घास होता है ना देसी घास बोलते हैं, हमारे यहाँ तो देसी घास बोलते हैं, चर्री बोलते हैं जिसे, तो वो थोड़ा बॉडी को काट लेती है, इसलिए थोड़ा फुल फुल भी नहीं है जितना भी है। तो अब निकालते हैं इस घास को। गाय के लिए काफी घास तैयार हो चुका है, और जैसे कि जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही है मैं इस घास को लगभग काटती रहती हूँ, हमेशा ही काटती हूँ, हमेशा इस गाय को देते हैं। और आप लोग देख ही रहे होंगे ये कितनी तेजी से बढ़ता है, जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। देखिए एक तरफ से मैं इसे काट लेती हूँ, मतलब यहाँ से पूरे यहाँ तक खत्म हो जाता है, दूसरी तरफ से और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इतनी तेजी से और बढ़ जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इस घास को लगाते हैं, और ये काफ़ी अच्छी भी होती है। ये गाय, इससे गाय का दूध बढ़ जाता है। तो अभी मैंने गाय के लिए काफ़ी घास निकाल दिया, इतना काफ़ी है और कुछ अंदर भी है। तो आज के लिए तो गाय का घास तैयार हो चुका है। तो अभी मैंने घास के बाद चाय बना ली है भाभी और लोगों के लिए, और यहाँ पर चाची जी भी आ गई है, पर चाची जी जूस नहीं पीती है चाय भी नहीं पीती है, और मम्मी के लिए मैंने गुड़ वाली चाय बना ली है। मम्मी के ना कमर में दर्द हो गया ऐसे गुड़ाई कर करके, मम्मी ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। क्यों या मुझे चाय जी
तो अभी चाची जी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है हमारे साथ और नीचे भाभी लोग हैं। तो जो चाय नहीं पीते उनके लिए मैंने ग्रास का जूस बना दिया है और अपने लिए बना दिया। अपने दोस्तों अभी आपने देख लिया होगा मैंने घास भी निकाल दिया, चाय भी दे दी है और ये भी पी लेते हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करूंगी आप सभी लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगे मेरा ये छोटा सा ब्लॉग तो मेरे इस ब्लॉग को प्यार देना, अपना वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलूंगी जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।